स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्ती में बैक नेक डिजाइन बनाकर दिखाएंगे और ये डिजाइन हम कुछ लेंस की सहायता से बनाएंगे। ये हमारी लेंस है जो हमने कुर्ती के सेम कलर की ली हुई है, समोसा लेंस, इसे ट्रायंगल लेंस भी बोल देते हैं। और ये हमारी मल्टी कलर की लेंस है, ये हमारा मैचिंग कपड़ा है, तो इसकी सहायता से हम आपको बहुत ही खूबसूरत नेक डिजाइन बनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने नेक की कटिंग करेंगे बुकरम पर। हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम आपको बुकरम का साइज बता देते हैं। हमने बुकरम की लंबाई 12 इंच ली हुई है और चौड़ाई 10 इंच। इसे ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। हमारी ब्रॉडनेस है 5.5 इंच। उसका आधा करने के बाद हम 3.25 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे और 3.25 इंच पर ही हम नीचे की साइड निशान लगा लेंगे। और अब हम डीपनेस का निशान लगाएंगे, मतलब कि अपने गले की लंबाई का। हमारे गले की लंबाई है 7.5 इंच और यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन सभी निशानों को आपस में ऐसे मिला देंगे। और मिला देने के बाद अब हम इसमें पान सेव का निशान लगाएंगे ऐसे। और इसके बाद हम अपनी नोक के नीचे से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, यहां से नीचे, और साइड में 1.25 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। और यहां से हम सबसे पहले हम यहां से पान आकार में ही इस प्रकार से यहां निशान मिलाएंगे और इससे 1.25 इंच पर। उसके बाद हम यहां से यहां निशान मिलाएंगे। इस प्रकार से। और अब हम सबसे पहले अपने नेक के अंदर की साइड से कटिंग करेंगे और उसके बाद हम ये अपने बीच का पैटर्न निकाल लेंगे और पैटर्न निकालने के बाद फिर बाहर की साइड से कटिंग कर लेंगे। और ये हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। ये हमारे नेक का बाहर का हिस्सा है और ये हमारे अंदर के पैटर्न है, इस प्रकार से। अब हम अपने मैचिंग कपड़े पर अपने नेक को प्रेस से चिपका लेंगे। हमने अपने नेक को और पैटर्न को मैचिंग कपड़े पर चिपका लिया है। इसके बाद हम बाहर की साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर देंगे और इसके बाद हम बाहर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को सिलाई लगाकर बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। और पैटर्न का कपड़ा हमें फोल्ड नहीं करना है, ये हमें बाद में तैयार करना है, ये हम आपको दिखा देंगे। सिलाई लगाकर हमने बाहर के कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। ये हमारी कुर्ती है और ये कुर्ती का सीधा भाग है। हमें सीधे भाग पर अपने नेक को नहीं रखना है, हमें उल्टे भाग पर अपने नेक को रखना है। ये पलटने के बाद सीधी तरफ आ जाएगा और ऐसे सेंटर में रख लेने के बाद बीच में एक कच्ची सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर लेंगे। ये हमने बीच में एक कच्ची सिलाई लगा ली है, इससे हमारा नेक इधर उधर नहीं होगा। और इसके बाद हम बुकरम के बराबर में सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम अंदर के कपड़े की कटिंग कर लेंगे 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर। और गोलाई में ऐसे कट लगा लेंगे। ये हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं सिलाई तक।
अब हम अपने नेक को बाहर की साइड पलट लेंगे। ये हमने बाहर की साइड अपने नेक को पलट लिया, ये हमारा सीधी साइड आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर कन्नी की सिलाई लगा देंगे और इसके बाद हम अपने खुले भाग पर यहाँ भी एक कन्नी की सिलाई लगाएंगे। और अब हम अपने पैटर्न को तैयार करेंगे। पैटर्न को हम ऐसे कपड़े पर रख लेंगे और कपड़े पर रखने के बाद इसके अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। और ये हमने बुकरम के बराबर में सिलाई लगा ली है और इसके बाद थोड़ा कपड़ा छोड़कर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और गोलाई में छोटे छोटे कट लगाकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर भी हम यहाँ कन्नी की सिलाई लगाएंगे। और अब हमें अपनी बुकरम के बराबर बराबर एक निशान लगा देना है जहाँ तक हमारी बुकरम है उसके ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे, ये देखिए। और अब इसके बाहर की साइड हम एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाहर की साइड हमने एक पैर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम अपने पैटर्न पर ये समोसे वाली लेस लगाएंगे। इस प्रकार से निशान के ऊपर ऊपर ट्रायंगल हमारे निशान के बिल्कुल ऊपर आ जाने चाहिए यहां पर। और यहां तक हमें अपनी लेस को कट कर लेना है और फिर दोबारा इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। ये हमने पैटर्न के ऊपर अपने ट्रायंगल वाली लेंस लगा दी है। अब हम इसे अपने नेक में अटैच करेंगे इस प्रकार से ऐसे, और इसके ऊपर हम कन्नी की सिलाई लगा देंगे। और ये हमने अपने पैटर्न को अपने नेक में अटैच कर दिया है। इसके बाद हम अपनी मल्टी कलर की लेंस को यहाँ लगाएंगे। पहले हम इसके किनारे पर इस साइड सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस साइड। और नोक में ले जाकर हमें एक ऐसी छोटी सी चुन लगा लेनी है इस प्रकार से। और फिर इसके बाद हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। ये हमने बाहर की साइड अपनी लेस लगा दी है और इसे अब और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम ये मोती वाली लेस अपने नेक के अंदर की साइड लगा देंगे। और ये हमने यहाँ पर सिंगल बूट लगा लिया है, इससे हमारी लेस लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अब हम अपनी लेस को ऐसे नीचे रखकर इस पर कन्नी की सिलाई लगा देंगे। ये मोती वाली लेस लगा दी है और बीच में एक बटन भी लगा दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। तो हमारा डिजाइन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।